ओके, तो अभी मैंने बताया था रॉड वाला, भाई रॉड वाला केस देखो, मैंने मासलेस बोला है उसमें, याद रखना पॉइंट, क्योंकि जैसे ही मास आएगा तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास लेना पड़ जाएगा, है ना, डिस्टेंस। तुम बोलोगे हाँ बात तो सही है, तो मैंने इसीलिए ले लिया मासलेस रॉड। इन सब वर्ड पे ध्यान देना, अगर ये रॉड घूम के योगेश दादा ऊपर चला जाता है तो क्या बॉल नीचे गिर जाएगा? बोलोगे नहीं, नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है, रॉड है ना, तो नॉर्मल इसका अभी भी बैलेंस करेगा। तो तुम इस रॉड को कैसे भी यहाँ पे पहुंचा दो, बाकी अपना काम कर जाएगा ये। तो ये वही वाला केस हो गया, ये वाला जो अंदर में बॉल जा रहा है, यहाँ पे पहुंच गया, अपने आप चला गया, गॉट इट। टेंशन जीरो नहीं हो सकता उसका, रॉड है वो, रॉड का टेंशन कभी जीरो नहीं हो, टेंशन मतलब नॉर्मल। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, क्या हम लोग आगे बढ़े? हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात, आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारे सामने आज बात करूंगा पावर का, कर लूँ बातें, कर लूँ? लो। आओ कर लो फिर। तो एक है ममता, एक है मृणाली और एक है ओमकार, एक है योगेश। तो मैंने सबको 10-10 क्वेश्चंस दिए, सबको 10-10 क्वेश्चन दिए, और मैंने बोला भाई कितने समय में हो जाएगा? तो ममता ने बोला सर 2 मिनट। मैंने बोला वाह इम्प्रेसिव। मृणाली को तो सर 5 मिनट दो। मैंने बोला ओके ग्रेट। योगेश से पूछा तो उसकी तरफ से आवाज आया ठीक है, और ओमकार से मैंने पूछा तो ओमकार बोला सर कम से कम 30 साल तो दो, है ना, कुछ भी सर, 30 साल तो दो, समझ रहे हो? तो मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन सबका बराबर है, 10 10 10 10, लेकिन ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन उसको सॉल्व करने का अलग अलग हो गया। तुम बोलोगे हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ सॉल्व तो सब कर देगा, ड्यूरेशन अलग अलग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होता है ना, वो एक्चुअली हमारे पावर को चेक करता है। मुझे उस एग्जाम वाले को पता है कि अगर क्वेश्चन पेपर बोलेंगे लेके 10 घंटा बैठ जाओ तो सारे बच्चे सॉल्व कर ही देंगे जो एग्जाम देने आए हैं पढ़ लिख। लेकिन वहां चेक किया जाता ब्रेन का पावर, कि कम टाइम में यानी उसी गिवन टाइम में कौन कितना कर सकता है। तो पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क तो सबको उतना ही दिया है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन तो सबको वही दिया गया है, टाइम भी वही दिया गया है, इस टाइम में कौन कितना कार्य करता है वही है उसका पावर। बोलो समझ आया? यानी अगर 10 क्वेश्चन ममता ने 2 मिनट में कर लिया, इसका मतलब उसके ब्रेन में पावर तो है, ज्यादा पावर है किसके कंपैरिजन में? ब्रूना। ओमकार का बहुत 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 स्लो हो गया, और योगेश का आंसर बीट 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 बीट, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या है ना। बोलो समझ आया पावर कहना क्या चाह रहा? पावर कहना चाह रहा है कि वर्क आप जो कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है। बोलोगे अच्छा ये है, कर ले डिस्कस कर ले इसके बारे में। कर लो कर सर। ले, आओ कर लो कर लो कर लो। पावर ठीक स्लोली स्लोली कर लो। है, तो मैं बात कर रहा हूं इन टाइम टी, एकदम ध्यान से सुनना, मैं एक बार लिखूंगा इन टाइम टी और एक बार मैं क्या लिखूंगा एट टाइम टी, है ना। तो एट मतलब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस, है ना, तो उसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, इन यानी लंबा ड्यूरेशन है, तो मैं क्यों ना इन टाइम टी का बात कर लूं पहले, क्या कहते हो दोस्त? इन टाइम टी ठीक। हाँ हाँ सर, सर, तो पावर एवरेज, जैसे ही मैंने टाइम टी ले लिया इन, तो ये हो जाता है दोस्त टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तुम बोलोगे अच्छा इसको पावर कहते हैं, हाँ इसी को कहते हैं पावर। तो टोटल वर्क किसी भी सिस्टम के द्वारा कितना होता है? तुम बोलोगे उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। भाई बताया था ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दुनिया का जितना फोर्स है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कुछ भी, तो उसके द्वारा टोटल वर्क कितना होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, आया ना। तो टोटल वर्क को हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते क्या? बोलोगे हाँ बोल तो सकते हैं। अरे यार
नहीं बोलोगे वर्क एनर्जी थ्योरम? बोलेगी। तो बोलो ना, बोलो फिर। तो डेल्टा बोलते के ई बाय, रहे। हाँ डेल्टा के ई बाय टी लिख दे, टी यानी टाइम, वही टाइम, टोटल टाइम बोलोगे। अब मैंने मोमेंटम में, एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में बताया था, तुम बोलोगे हाँ हाँ सर बताया था। क्या बताया था? तो ये बताया था जिस चीज का आपको पता करना है वैल्यू एवरेज में, जिस चीज का वैल्यू आपको एवरेज में पता करना है, आप उसी को इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, पी डी टी बाई डी टी। याद आया? तुम बोलोगे हाँ हाँ याद आया, याद आ रहा है। मोमेंटम का किए थे, एक्सेलरेशन का किए थे, नहीं याद आया? यस हाँ सर, हाँ याद तो आना सर। चाहिए, नहीं आएगा तो फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला नौबत आ गया फिर। ये किसी भी जगह काम कर सकता है अपना फॉर्मूला, तुम बोलोगे तो बहुत अच्छा, गर्दा है ना धांसू। तो अब मुझे बताओ, मुझे बताओ कि इसमें कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे सर एक चीज समझ में आया है, इससे एक चीज समझ में आया है, मैं पूछूंगा क्या समझ आ गया भाई। तो तुम बोलोगे पावर और टाइम का जो ग्राफ होगा उसका एरिया हमें क्या देगा, उसका एरिया हमें क्या देगा, बताओ। तुम बोलोगे नहीं समझ आया, तो अभी समझ में आएगा। ये इतना तो समझ आ गया ना दोस्तों, इतना तो समझ आ गया ना? अरे हाँ यस बोल दो। हाँ अगर सर, मान लो समझ ग्रेविटी के आया। द्वारा वर्क का पूछ ले, तो ग्रेविटी के द्वारा का पावर पूछ ले, तो पावर ऑफ ग्रेविटी अगर पूछ ले तो क्या बोल देना, वर्क डन बाय ग्रेविटी बाय टाइम, यानी क्या हो जाएगा, एम जी एच बाय है ना, ये बोल देना। बोलोगे हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो भाई, बोल सर देना बोल देना। आओ अब एट टाइम टी का बात करें, पावर एट टाइम टी है ना, पावर एट टाइम ममता को आज घर में खूब अच्छा अच्छा खाना मिलेगा खाने को, यारे बच्ची पढ़ाई कर रही है सुबह से, बच्ची क्या पढ़ाई कर रही है वो तो हम ही जानते हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं। बहुत सही था सर ये। तुम्हारे लिए भी यही कि बच्ची पढ़ाई कर रही है, लेकिन क्या पढ़ाई कर रही है बच्चा कुछ। बच्चा सर, बच्ची नहीं। अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा ना यहाँ पे, तुम बोलोगे हाँ उस इंस्टेंट पे क्या लिखेंगे, छोटा सा काम होगा छोटे से टाइम इंटरवल में, अरे हाँ या ना, वर्क डन बाई डी 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 डब्ल्यू बाई डी टी, अरे हाँ या ना भाई। और वर्क हाँ डन क्या सर, होता है छोटे से टाइम इंटरवल में, छोटे से टाइम इंटरवल में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तुम बोलोगे हाँ। तो क्या मैं पी इंस्टेंटेनियस ये नहीं लिख सकता क्या, एक सेकेंड, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई डी टी, तुम बोलोगे हाँ। अगर डीएस बाई डी टी, देखो डी एक्स अपॉन डी टी याद आ रहा है क्या होता था, तुम बोलोगे वेलोसिटी, तो क्या हम डी एस अपॉन डी टी, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या मैं पी इंस्टेंटेनियस ये नहीं लिख सकता क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी, बोलोगे अरे हाँ ये हो सकता है। और डॉट प्रोडक्ट किसी का क्या बताता है, कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, काफी गर्दा फॉर्मूला है ना। बोलो होगा या नहीं होगा, मृणाली होगा या नहीं होगा। होगा सर। यस, तो पावर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकता है, पावर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में। तुम बोलोगे इस नेगेटिव पॉजिटिव का अर्थ समझ नहीं आ रहा है हमको, है ना, क्योंकि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो पावर 0 हो जाएगा, थीटा जब 90 से कम होगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और थीटा जब 90 से ज्यादा होगा तो पावर नेगेटिव होगा। तो सर पावर क्या होता है, तो पावर याद रखना स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो तुम बोलोगे अगर डायरेक्शन नहीं होता तो इसमें नेगेटिव क्या बता रहा है, तो नेगेटिव ये बता रहा है कि फोर्स किसके ऊपर किया गया है खर्चा, फोर्स सिस्टम के द्वारा हमारे ऊपर, मान लो मैं इसको धक्का दे के ले जा रहा हूं यहां से यहां तक कुछ, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम जितना इस पे फोर्स लगाया उससे ज्यादा ये हम पे लगा दिया, यही है पावर नेगेटिव का अर्थ। बोलो समझ आया क्या? अरे समझ आया दोस्त, ये होता है, बोलोगे हाँ थोड़ा थोड़ा समझ आया, आया थोड़ा थोड़ा समझ,
समझ तो आना ही हाँ चाहिए। क्या सर होना चाहिए यूनिट आया। यहां से देखो, जूल अपॉन सेकंड, क्या होगा? जूल अपॉन सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड, 1 जूल अपॉन सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट। क्या कहते हैं? वाट। देखो तो यूनिट, यूनिट का बात करें पावर के यूनिट का, तो यूनिट क्या होता है? वाट होता है। वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेक। बोलोगे ठीक है। एक हॉर्स पावर भी होता है ताकत, पता है ना? एचपी, इसको कहते हैं हॉर्स पावर। ये होता है लगभग 746 वॉट, ठीक है? और 1 वॉट बराबर कितना किलो वॉट, ये सब तो जानते हो। 1 वॉट बराबर कितना किलो वॉट? किलो यानी 1000 वॉट होता है ना? तो 1 किलो वॉट बराबर 1000 वॉट, ये सब जानते हो ना? किलो मतलब 1000 होता है भाई। के की जगह हमने क्या डाल दिया? वाट तो जानते ही, वाट। के की जगह क्या डाल दिया? 1000 डाल दिया, ये सब जानते हो ना? हाँ बोलेगा भाई, सर, इतने ढीठ बच्चे हैं ना, बोलते नहीं है कुछ। बोला अच्छा ना सर। हम ममता के बारे में बोल रहे थे। सर मैं भी तो बोल रही अच्छा हूँ। ठीक है तुम ठीक है, इंसान हो? बोलिए फिर। हाँ तो बोलने दो, तुम मेरे अधिकारों से मुझे वंचित नहीं कर सकती हो। करूंगी। गुड। तो अब मुझे एक बात बताइए ममता जी, अमरुनाली, आप लोग दोनों बताइए कि वर्क और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? तुम बोलोगे बहुत ही सरल, ये है वर्क, ये है टाइम, इसका स्लोप हमें पावर बता देगा। सिंपल बात, बताएगा कि नहीं बताएगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल बताएगा। और इसी को अगर मैं उठा के इधर लेके चले जाऊं तो पी डी टी हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो तुम बोलोगे अरे पावर और टाइम का ग्राफ, इसका मतलब चेंज इन वर्क डन, यानी वर्क डन बता दें। नहीं समझे? आओ इधर देखते हैं। P इज इक्वल्स टू, अभी इंस्टेंटेनियस हमने क्या पढ़ा? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस अभी हटाओ, अभी कुछ देर के लिए समझो। P इज इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा? डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो मैं बोल रहा हूं इसका अर्थ ये होता है, ममता इसका अर्थ ये होता है स्लोप हाँ ऑफ सर, वर्क डन। एंड टाइम इज पावर, क्या होता है? इज पावर। इसको उठा के इधर भी तो ले जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलोगे हाँ करिए करिए, क्या दिक्कत है? तो कर देते हैं। पी डी टी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, और डिफरेंसिएशन को हटाने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन से यहाँ क्या पता चल रहा है? यहां से चलो मैं इधर ही लिखता हूँ, यहां से हमें यह पता चल रहा है कि पावर टाइम ग्राफ का एरिया, सॉरी एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ, ये लिखेंगे ना? इंग्लिश में लिख रहा है तो भाई इंग्लिश में लिखो, एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ इज वर्क डन। नहीं आया समझ? स्लोप ऑफ वर्क डन टाइम ग्राफ, ग्राफ छूट गया था, इज पावर। अरे नहीं आया समझ ममता? आया सर, आपने क्या समझ आया? जो बताया। ओ, अगर आ गया तो एक सवाल तो लेना पड़ेगा ना दोस्त, एक तो लेना पड़ेगा, क्या कहते हो? मूड किया एकदम सर, फ्रेश हो जाए, एक दो सवाल तो लेना पड़ेगा, मूड एकदम फ्रेश कर देते हैं। आओ तुम लोगों का कर दें, कर दो। आओ ले लो भाई। एक सवाल ऐसा भी, एक सवाल ऐसा भी, जल्दी से सवाल लिखो। अ पार्टिकल मूव्स, हो गया चैप्टर खत्म हो चुका है, मैं पहले ही बता दूं चैप्टर खत्म हो चुका है, मैं सवाल दे रहा हूं। अ पार्टिकल मूव्स, अरे पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं? अ पार्टिकल मूव्स, अ पार्टिकल मूव्स कहाँ गया? हाँ मूव्स विथ द वेलोसिटी, कितना है? तो वेलोसिटी वी वेक्टर दिया है दोस्तों, 5i कैप,
प्लस 2J कैप माइनस K कैप, ठीक है ठीक है, मीटर पर सेकंड में मैं लिख देता हूँ, चलो मीटर पर सेकंड बक्से में बंद करके, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स, अब इस चैप्टर में मतलब सिखाने वाला कुछ नहीं है, सारा कुछ मैं सिखा चुका हूं, बस सवाल दे देते हैं दो चार और क्या। 2i कैप, 5j कैप, सर्कुलर मोशन पर भी एक दिया जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर, कोई दिक्कत है ममता? नहीं सर। मृणाली को दिक्कत है क्योंकि मृणाली को बायो पढ़ना है, नहीं तो वो आज शरीर छोड़ के चली जाएगी है ना, आत्मा अपना लेके कहीं दूसरे में, नहीं है ना? सर। आर यू श्योर? यस। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? ठीक नहीं। है फिर तो बहुत अच्छी बात। क्या बना है तुम्हारे यहाँ खाना ममता? चपाती, सब्जी, ओहो दाल वाह, चावल अरे वाह, तुम गाजर सुबह का सुबह, हलवा। तुम सुबह सुबह दबा दी है ना? हाँ गुड, काफी एनर्जेटिक लग रही हो बातों से भाई, बताओ दिन आंसर भर आप बताओ। कुछ खाने अच्छा, ऊंट की तरह ही रहो, ऊंट की तरह एक बार में खा लो पूरा एक सप्ताह का खाना। दोस्तों जल्दी से आंसर बताओ, ऐसा नहीं खाना चाहिए, वेरी बैड हैबिट। आंसर बताइए, क्या मैं बताऊं, हेल्प करूं? फ्रेंड्स क्या मैं हेल्प करूं? 30 ओमेगा सर। 30 ओमेगा, वेरी गुड। ओमेगा, एक सेकंड, ओमेगा व्हाट है भाई? डब्ल्यू पावर चल रहा है, ओमेगा कुछ भी, सब कुछ ओमेगा ओमेगा दिख रहा है तुमको, सिंपल बात है। एक बात गलती मुझे बताओ, एक बात मुझे सेम बताओ, जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे के साथ, के साथ, या आई के साथ? डॉट में आई को आई के साथ करते हैं, याद है ना? इन दोनों का करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, कॉस थीटा 90 डिग्री क्या होगा? 0। तो आई को जे के साथ नहीं जी। करते, के साथ नहीं करते, याद आ रहा? ये कब करते हैं? साइन थीटा में करते हैं। अरे याद आ रहा है भाई, हाँ सर। साइन थीटा में आई को आई के साथ नहीं करते, वो क्रॉस प्रोडक्ट था। तो आओ, हमारे पास तो फॉर्मूला है ना, हमारे पास तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? पावर इज इक्वल्स टू फोर्स का और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स का वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या योगेश दादा कितना गिवन है? 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 10k कैप। तुम बोलोगे हाँ गिवन है, डॉट प्रोडक्ट कितना है? वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो हम देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2i.5i कितना हो जाएगा? 10। आई कैप नहीं आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में गायब हो जाता है, कॉस थीटा 0 डिग्री, 10। प्लस जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, तो 10 × 1 10 कितना हो जाएगा? तीनों को ऐड कर दो 30, कितना हो जाएगा? 30 वॉट। इजी था फ्रेंड्स, क्या ये इजी था? हाँ सर। अगर ये इजी था तो मैं नीट का एक सवाल बिना दूंगा, मैं दूंगा एक नीट का सवाल, ये नीट का सवाल है, मतलब AIPMT का सवाल है, 2013 का, दूं क्या? ठीक है, दे दो। दे दूं? ठीक है आओ सर। ले लो, जब तुम लोग इतना गिर गिरा रहे हो तो ले लो एक, नहीं सर, गिड़गिड़ा नहीं रहे हम। कि प्लीज मुझे एक सवाल दे दो, प्लीज मुझे एक सवाल दे दो। नहीं
जैसे ओम जल्दी सर से बोलता क्वेश्चन है प्लीज लिखो। मेरी बेइज्जती कर दो, प्लीज मेरी बेइज्जती कर दो। ए झाड़ चोड़न बस होगा गब गुना नाल नहीं संडे लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। तो कौन लड़ाई कर रहा है? किस किसको इतना टाइम है लड़ाई करने के लिए? तुम कर रहे हो। नहीं, वो भी मंकी के साथ लड़ाई? नहीं, काट खाएगी। नहीं जाने दो सर, कहा उसके मुंह लबू। सवाल लिखो। सही है सर, अगर ओमकार ममता के मुंह लग गया तो ममता तो उसको कतर जाएगी पूरी। और इन्फेक्शन से वो मारा जाएगा। हाँ हाँ वही सर, वो तो। बिल्ली जो ठेरी, बिल्ली जो ठेरी। सर देखिए बिल्ली के सामने तो आपको समझ में आ गया होगा ना सर। नहीं मैं समझ रहा हूं, मैं तुम्हारी भावनाओं को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूं, है ना। तुम मेरी भावना लाल भावनाओं की को नहीं समझो होती और सवाल लड़की। सॉल्व कर दो। ममता इतना इतना कृपा करो मेरे ऊपर, ठीक है। मृणाली थी सर, मैं लेकिन थी मैं तुम्हें सर। बोल रहा हूं, अब बताओ। हाँ ठीक सही बात है सर, सही बात है, चंपू तो चंपियर रहेगा। छोटू जल्दी जल्दी सॉल्व करो। और चोमू तो चोमू ही रहेगा। फ्रेंड्स जल्दी सॉल्व कर लो। चोमू एक ही है, वो मैं हूँ। चंपू भी एक ही है, वो ममता है। फ्रेंड्स जल्दी सॉल्व कर लो, ऐसा मत करो। मंकी भी एक ही है। नहीं, अरे 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 मंकी भाई, बहुत सारे हैं। जिंदगी का मकसद है बस तुम्हारे साथ। मैं ही बता दूं क्या, ये तुम लोग करना चाहोगे। इसके बाद मैं सर फर्स्ट वर्टिकल बार आया, सर्कुलर सवाल मोशन। हाँ तो लिखने दो उस पर। 1:3 क्या 1:3? इसके बाद पर मैं ए एफिशिएंसी का भी सवाल दूंगा, एफिशिएंसी के ऊपर एक सवाल दूंगा। सर, उसको किताब दिखाने के लिए बोलिए सॉल्व किया है या नहीं। कॉपी दिखाओ, चलो वीडियो ऑन करो, कॉपी दिखाओ। जब कुत्ते दिखा सकते हो तो कॉपी दिखाओ। मेरा माइंड कैलकुलेशन है सर, कितना आया आंसर? मैंने फर्स्ट वाला बताया था। 1:3। फॉर्मूला गलत, यूज किया वो पूछो सर। पता नहीं कहां से आता है इसका आंसर। मूर्ख बालिका। बालक नहीं देखो ये बहुत इजी है, मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनो। पावर का काम क्या होता है? पावर क्या होता है? क्या बोला है? 1 मिनट, यानी लंबा चौड़ा टाइम दिया है। तुम बोलोगे हाँ वर्क डन बाय टाइम होता है, ठीक है। इधर ध्यान से सुनो क्या क्या चीजें दिया है। 1 कुली टेक्स 1 मिनट टू रेज अ सूटकेस थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, ठीक। बट सेकंड कुली टेक्स 30 सेकंड टू रेज द सेम सूटकेस सेम हाइट। भाई सूटकेस सेम है, सेम हाइट है, यानी वर्क डन सेम है ना। तो हम सीधा ये काम नहीं कर सकते क्या? देखो तो, हम ये काम नहीं कर सकते क्या? देखो दोस्तों, पावर ऑफ कूली 1, पावर टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो पावर ऑफ 1 अपॉन पावर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ 2 अपॉन टाइम ऑफ 1। हाँ या ना? बोलोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल हम कर देंगे कैलकुलेट। तो क्या बोल रहा है? दोनों का पावर का रेशियो कैलकुलेट करो। टाइम T2 कितना है? 1 कूली टेक्स 1 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड से पावर इन द रेशियो ऑफ 2 कूलीज आर। एक का लिखो 60, एक का लिखो कितना 30, 1:2, खत्म। यही आंसर है। जब वर्क डन सेम है तो सीधा देखो ना पावर का रिलेशन कैसा होता है टाइम के साथ, पावर का इनवर्स रिलेशन। तो ये इसका वाला नीचे आएगा, इसका वाला ऊपर जाएगा। बोलोगे हाँ बात तो ठीक लग रहा है। क्या योगेश दादा, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स सर, को अब लिखने बस दो। चलो हो गया एक और सवाल ले लो, एफिशिएंसी के ऊपर दे दे। देखो कंसेप्ट ना। सीख के जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे तो क्या कर लेंगे बताओ, कुछ हो पाएगा? सवाल और भी अच्छा सर अच्छा आ रहा है मेरे पास। एफिशिएंसी
60/30 क्यों लिखा है? अच्छा क्योंकि 1 मिनट को मैंने सेकंड में चेंज किया, अब बोलो। लेकिन 30/60 होना चाहिए ना, P2 कितना है? थर्टी वन फूली पी वन सेकेंड्स पी वन अच्छा हाँ ठीक है, तो पहले बोलना चाहिए था ना तुमको। मैंने कहा था 30, लेकिन आपने 60 लिख दिया। 30/60 आंसर होगा 2:1। एकदम सही है। 2:1 या 1:2? सर 1:2 ही होगा ना आंसर? टू होगा ना सर, अच्छा 1:2 क्या ही होगा। कर रहे? ठीक है चलो ठीक। खुश, पता नहीं मेरे कान में क्या सब आवाज आ रहा है। एक और एफिशिएंसी वाला ले ले क्या सवाल? क्या लास्ट सर, है? लास्ट एक लात? क्या लास्ट एक लात? दे उनको लात खानी ना है सर। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा नहीं, वो क्वेश्चन का लात लास्ट बोल बोल रही रही है, हो? लात 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 बोल रही है वो। लात क्वेश्चन क्वेश्चन दे दो और ओमकार को 2-4 लात दे दो बस, नहीं, वो बोल रही है हमारी 10 लात तैयारी। चाहिए उसको, 10 लात। अरे लड़ाई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा ना छोटू। सर ब्रूनाली की ना कमर दर्द कर रही होगी, जाने दो, आप बूढ़ी हो गई है ना। तुम्हारे गुर्दों में क्यों दर्द हो रहा है भाई? इसलिए वो उसको लात खानी है। हाँ सुनो ना ओमकार, सर। तुम जब घर जाओगे ना, मृणाली के घर या किसी के घर, तो मृणाली तो तुमको गिरा गिरा के पटक पटक के मारेगी, और जो बैकग्राउंड में उसके फैमिली से सुन रहे होंगे ना, वो भी तुमको पहले पटक पटक के मारेंगे। देख लो भाई। हाँ ये कौन कर गया लो इसको सर? सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करो, सर मृणाली भाग गई। सर करने दो लेकिन जल्दी से इसको सॉल्व करो। आ गई, आ गई बुढ़ी ये माँ आ सवाल गई। काफी सर अच्छा है, इसलिए इसको जल्दी से सॉल्व करो। इसको बोलो ना, खुद बुढ़ा हो गया है तो दूसरों को भी बुढ़ा बनाने की लड़ाई कोशिश नहीं, लगा नो लड़ाई। एफिशिएंसी देखो क्या होता है, सर। मैं बताता हूँ। एफिशिएंसी वाला जानबूझ के मैंने दिया, देखो एफिशिएंसी। योगेश दादा ध्यान से देखो, सर ऑप्शंस तो दो। नहीं है ऑप्शंस। एफिशिएंसी मतलब होता है ढंग से कहा आउटपुट हो पाएगा? अपॉन इनपुट। हमने क्या इनपुट दिया है पावर का और उसने क्या आउटपुट दिया है, ये होता है। तो तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, यानी आउटपुट का मतलब इंजन के ऊपर हमने क्या कार्य किया और इंजन ने क्या कार्य किया। बोलोगे अच्छा, उसका रेशियो यानी पावर बाय वर्क डन जो हमने किया है और इंजन ने उसका। तुम बोलोगे ठीक, यानी पी यहाँ पे है पावर ऑफ इंजन। पी क्या है? पावर ऑफ। चलो छोड़ो ये सब, आओ मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। करूँ सॉल्व करूँ? एक जानबूझ के मैंने दिया ठीक। मुझे यह बताओ इंजन का आउटपुट क्या दे रहा है, इंजन का आउटपुट कितना है? पहले मैं इंजन का आउटपुट ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाला, यानी इंजन ने अपना क्या कार्य किया, इंजन का पावर क्या रहा है। सॉल्व करें? तुम बोलोगे हो जाएगा सर सॉल्व। पी आउटपुट यानी इंजन का जो आउटपुट है वो क्या है। तुम बोलोगे ये क्या कार्य कर रहा है, ये 400 किलो का पानी कहाँ पे पहुंचा रहा है 40 सेकंड के अंदर, ऊपर 10 मीटर ऊपर। तो हो गया ना इजी, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल के द्वारा MgH by T। MgH कितना है, M कितना है? 400। G का वैल्यू 10 बोल दिया है लेने के लिए, H का वैल्यू 10 मीटर है, टाइम कितना दिया 40 सेकेंड, हो गया सॉल्व। ये कितना, 10, यानी क्या हो गया 300, नहीं 1000। 1000 यानी 1 किलोवाट लिख दें? बोलोगे हाँ 1 किलोवाट, सिंपल सा ठीक है। चलो ना 1000 वॉट ही लिख देते हैं।
वॉट, ये इसका आउटपुट है, ये इसका क्या है आउटपुट, हमसे क्या बोला है, इफ इट्स एफिशिएंसी इज 80%, और एफिशिएंसी मैंने बताया, एफिशिएंसी मैंने बताया, अब इधर आओ, एफिशिएंसी की जगह क्या मैं लिख दूं 80%, तुम बोलोगे हाँ लिख देंगे 80%, तो 80% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, ऐसा कुछ है ना, यानी इंजन ने जो कार्य किया है वो, और ये है ना, पी इनपुट की जगह हम क्या लिखते हैं, तुम बोलोगे पी वर्क डन अपॉन पी वर्क डन बाय इंजन, इंजन ने कितना कार्य किया, तुम बोलोगे ठीक, परसेंट अगर होता है तो देखो क्या करते हैं, अगर परसेंटेज होता है तो हम नीचे भी इधर डिवाइड कर देते हैं 100 से, और पावर, पावर कितना आया था 1000 वॉट, 1000 वॉट अपॉन पावर ऑफ इंजन, इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर परसेंटेज को हटाना है, तुम बोलोगे ठीक है सर बहुत अच्छी बात, अगर ऐसा है तो हमसे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे पावर ऑफ इंजन आ जाएगा, बोलोगे हाँ आओ, तो पावर ऑफ इंजन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 100, ऐसा ही कुछ यही आएगा ना, 80 नीचे जाएगा और 100 ऊपर जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है, एक सेकेंड, इधर नहीं डालेंगे ना, इधर नहीं डालेंगे, इधर परसेंटेज को हटाना है, सॉरी ब्लैक पेन, परसेंटेज को हटाना है तो 100 डालना पड़ेगा, हाँ अब इस ये 100 अपने आप चला जाएगा, मैं गलती से डाल रहा था, वही मैं सोच रहा हूँ 100 कहाँ से आ रहा है, ये 100 ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, ये है एफिशियंसी पावर का, अब एफिशियंसी होता क्या, 2 मिनट के लिए समझ जाओ, मान लो हमने नया इंजन खरीद के लाया, कोई मोटर खरीद के लाया, ठीक, तुम बोलोगे ठीक है, वो कंपनी दावा कर रहा है कि सर ये इतना कार्य करेगा, कितना कार्य करेगा, इतना कार्य करेगा, मतलब ये 400 किलो पानी ना 10 मीटर के हाइट पे 10 सेकंड में फेंक देगा, मतलब मान लो 40 सेकंड में फेंक देगा, वो कंपनी का दावा है, यानी बोल रहा है कि आउटपुट तो इतना देगा सर, हम बोलेंगे अच्छा वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात भाई, 1 साल हमने यूज किया और पता चल रहा है कि भाई 400 किलो पानी तो फेंक ही नहीं रहा, तुमने अपना कैलकुलेशन किया, पता चला इसका एफिशिएंसी तो घट के 80% पे आ गया, भाई एफिशिएंसी कम तो हो जाएगा ना, इंजन पुराना होगा तो, बोलोगे हाँ, लेकिन हाँ कंपनी कितना दावा कर रहा था, इतना एफिशिएंसी है 80%, तो निकालेंगे कैसे, कि अब एक्चुअली में कितना पानी फेंक रहा, अब पता चलेगा पानी तो कम फेंकेगा क्योंकि पावर कम हो गया इसका, तो पावर जो कम हुआ इसको कर दो कैलकुलेट, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, देख लो इतना पावर हो जाएगा, जितना भी इतना हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, नहीं, बोलो दोस्तों, यही हो जाएगा वैल्यू, कितना हो जाएगा, तो ये हो टेन जाएगा टेन 100 थाउजेंड इंटू 100 बाई 8, कट करो किससे कट करे, 4 से कट करे क्या, 25, ये हो जाएगा 2, 4 से है ना, 2 हो जाएगा, 1250 आता है। इस 200 को काटो इससे, 50 कितना होता है, 1250। हाँ तो 1250, गया यानी छुट्टी अब। इसका इसका अर्थ यह है कि इंजन में इनपुट इतना देना पड़ेगा, इनपुट है ना, नीचे क्या था इनपुट, तो 1250 का इनपुट दोगे तो तुमको कितना का काम करके वो दे देगा, 1000 वॉट, बोलो कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप इनपुट कितना दीजिए ममता, 1250 वॉट का, काम कितने का करेगा वो, 1000 वॉट का, बाकी वो उसका वियर एंड टीयर में चला, हाँ अब इसका जब रिवीजन करवाएंगे तो एक दो और एक्स्ट्रा सवाल करवा देंगे, वैसे आप लोग मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, ये चैप्टर ऑफिशियली समाप्त होता है यहीं।